जय हिंद डियर स्टूडेंट्स एंड डियर इंडियंस। आज इस वीडियो में मैं आपको 23 अगस्त को हम नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाते हैं, इसे क्यों मनाते हैं, इसके पीछे क्या इसकी हिस्ट्री है, क्या इसके पीछे तथ्य छिपे हुए हैं, तो आज इस वीडियो में मैं वो सारा डिस्कस करूंगा। इसरो की स्थापना से लेकर और चंद्रयान 3 इस सफलता तक का सफ़र हम कुछ मिनटों में पूरा डिस्कस करेंगे, तो आप इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखें क्योंकि ये बहुत ही अच्छे नॉलेज गेन करने वाली वीडियो है बच्चों। तो आप देखते हैं बच्चों, हम 23 अगस्त को ही नेशनल स्पेस डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं? तो इसको बच्चों इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि इस दिन हमारे इसरो के साइंटिस्टों ने चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग की थी और देश को गौरवान्वित किया था। तो इससे जुड़े हुए सारी नॉलेज स्लाइड्स मैं आपको एक एक करके डिस्कस करता हूं, तो आओ देखते हैं। तो बच्चों, नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेटेड फॉर सेवरल रीजन्स, इसके कई रीजन हैं। मेन तो बच्चों क्या हुआ था, 23 अगस्त को चंद्रयान 3 ने शिव शक्ति पॉइंट, इन पॉइंटों को आप ध्यान रखेंगे, शिव शक्ति पॉइंट या स्टेशियो शिव शक्ति, नियरेस्ट पॉइंट टू ल्यूनर साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी और हमारे देश को गौरवान्वित किया था। चंद्रयान 3 का जो मेन मोटिव था चंद्रमा पर लैंड करने का, वहाँ की ज्योग्राफी को जानना, जियोलॉजी को जानना, वहाँ पर क्या रिसोर्स है, वहाँ पर वाटर है, आइस है, तो वहाँ से जितना ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज और इन्फॉर्मेशन गेन हो सके कि वहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है नहीं कर सकती है, तो इस तरह से वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन लेना था। इस लैंडिंग के अगले क्षण ही हमारा कंट्री यानी इंडिया फर्स्ट कंट्री बन गया था जिसने ल्यूनर साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी और विश्व में चौथा कंट्री बन गया था जिन्होंने अब तक चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर चुके हैं। जो पहले 3 कंट्री हैं वो USA, चाइना और रशिया हैं। तो आओ बच्चे देखते हैं इन स्लाइड्स को। नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेटेड फॉर सेवरल रीजन्स। फर्स्ट, रिकॉग्नाइजिंग स्पेस एक्सप्लोरेशन अचीवमेंट, यानी टू एक्नोलेज द इनक्रेडिबल प्रोग्रेस मेड इन स्पेस एक्सप्लोरेशन फ्रॉम द फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च टू ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एंड रोबोटिक मिशन टू अदर प्लैनेट्स। सेकेंड है बच्चों, इंस्पायरिंग फ्यूचर जनरेशन, जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उनको इंस्पायर करना, उनको इनकरेज करना, उनको बढ़ावा देना। तो इसमें क्या है, इनकरेज यंग पीपल्स टू परस्यू करियर्स इन स्टेम, भाई स्टेम में अपना करियर बनाया जाए। अब बच्चों ये स्टेम क्या है, स्टेम है साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। तो इनमें किस तरह से आप अपना करियर बनाएंगे, उनको इंस्पायर करना, उनको इनकरेज करना एंड मोटिवेट देम टू बिकम द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ स्पेस एक्सप्लोरर। और जो हमारी आने वाली जनरेशन है उसको हम मोटिवेट करें कि वो स्पेस वर्क में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें। थर्ड पॉइंट है बच्चों, प्रमोटिंग इंटरेस्ट इन स्पेस टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन इट्स बेनिफिट्स एंड वंडर्स ऑफ द यूनिवर्स, यानी जो इसके क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं और इनमें क्या क्या वंडर्स यूनिवर्स में छुपे हुए हैं, इन सभी को जानना। फोर्थ पॉइंट है बच्चों, ऑनरिंग स्पेस
पायनियर्स, जो हमारे स्पेस पायनियर्स हैं उनको एक अच्छा ऑनर देना, सम्मान देना है, टू पे ट्रिब्यूट टू द पायनियर्स एंड लीजेंड्स ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन लाइक नाइल आर्मस्ट्रांग, बज़ एल्ड्रिन, सैली राइड। तो ये हमारे पायनियर्स हैं, फाउंडर्स हैं बच्चों, इनको ऑनर देना है, सम्मान देना है, हु पेव्ड द वे फॉर फ्यूचर स्पेस ट्रैवल। भाई किस तरह से आप स्पेस में ट्रैवल करेंगे, क्या इसका फ्यूचर है, किस तरह से, तो इन सभी ने हमें रास्ता दिखाया। फिफ्थ पॉइंट है बच्चों, फॉस्टरिंग इंटरनेशनल कॉपरेशन टू हाईलाइट द ग्लोबल नेचर ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड द कोलैबोरेटिव एफर्ट्स अमंग कंट्रीज टू एडवांस आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस। बाई सेलिब्रेटिंग नेशनल स्पेस डे वी कैन स्पार्क क्यूरियोसिटी, इंस्पायर इनोवेशन एंड कंटिन्यू टू पुश द बाउंड्रीज ऑफ व्हाट्स पॉसिबल इन स्पेस एक्सप्लोरेशन। स्पेस में क्या क्या किया जा सकता है, क्या वहाँ पर इनोवेशंस हो सकते हैं, तो हमारी क्या हदें हैं, क्या बाउंड्री हैं, इनको हम देख सकते हैं। सबसे पहले बच्चों देखते हैं हम इसरो, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो क्या है, फुल फॉर्म है बच्चों इनकी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये 15 अगस्त 1969 यानी 15 अगस्त 1969 को ये एस्टेब्लिश हुआ था। इसकी नींव रखी गई थी विद द गोल ऑफ एडवांसिंग स्पेस टेक्नोलॉजी एंड एक्सप्लोरिंग स्पेस फॉर पीसफुल पर्पजे। भाई क्या था, जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसको हम जान पाएं, हम स्पेस में एक्सप्लोर करें ज़्यादा से ज़्यादा, भाई पीसफुल पर्पज के लिए हम उसका क्या यूज कर सकते हैं, किस तरह से हम उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्या बढ़ावा दे सकते हैं, इन सभी को हम करें। हियर्स अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ इसरो एस्टेब्लिशमेंट। तो क्या ब्रीफ ओवरव्यू है, देखते हैं। फॉर्मेशन, इसरो वाज फॉर्म बाय द इंडियन गवर्नमेंट विद डॉक्टर विक्रम साराभाई एज इट्स फर्स्ट चेयरमैन। तो सबसे पहले जो हमारे चेयरमैन थे डॉक्टर विक्रम साराभाई जी थे। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसरो के बच्चों, इसरो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स वर टू डेवलप स्पेस टेक्नोलॉजी, कंडक्ट स्पेस रिसर्च एंड अप्लाई स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर नेशनल डेवलपमेंट। भाई स्पेस से हम किन किन टेक्नोलॉजी को हम यूज करके गेन कर सकते हैं, क्या क्या गेन कर सकते हैं, किस तरह से रिसर्च को कंडक्ट कर सकते हैं और एडवांस टेक्नोलॉजी को हम किस तरह से डेवलप कर सकते हैं, जिससे कि नेशनल डेवलपमेंट में कितनी हेल्प हमको मिल सकती है। नेक्स्ट है बच्चों, मर्जिंग ऑफ इनकॉस्पा। भाई इसरो वाज फॉर्म बाय मर्जिंग द इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। इस कमेटी को मर्ज कर दिया गया था, विच वॉज एस्टेब्लिश, ये कमेटी 1962 में बनाई गई थी। फर्स्ट हेडक्वार्टर क्या है, इसरो का जो फर्स्ट हेडक्वार्टर है वॉज लोकेटेड इन बेंगलोर, कर्नाटका, इंडिया। तो बच्चों फर्स्ट हेडक्वार्टर हमारा बेंगलोर में, कर्नाटक के अंदर एस्टेब्लिश है। अर्ली अचीवमेंट क्या है इसरो की, इसरोज अर्ली अचीवमेंट इंक्लूड लॉन्चिंग इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट, जो हमारा यानी इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट है वो आर्यभट्टा है और इसको लॉन्च किया गया था इन 1957 एंड कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स इन स्पेस साइंस, रिमोट सेंसिंग एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो क्या था बच्चों, कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट, भाई कुछ रिसर्च करना, एक्सपेरिमेंट करना स्पेस साइंस में, स्पेस में साइंस, रिमोट सेंसिंग और सैटेलाइट कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है बच्चों, टुडे इसरो इज वन ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग स्पेस एजेंसी
known for its innovative and cost effective approaches. भाई इनके अपने innovatives की और cost effective approaches के बारे में world leading एक हमारी agency है to space exploration. ISRO has achieved numerous milestones including, तो क्या क्या milestone हमने अचीव किए हैं बच्चों? मार्स ऑर्बिटर मिशन, मंगलयान. तो पहला क्या था बच्चों? मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान सक्सेसफुली ऑर्बिटिंग मार्स इन 2014. नेक्स्ट है चंद्रयान 1 इंपैक्टिंग द मून सरफेस इन 2008. रियूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV डेमोन्स्ट्रेटिंग यूसेबल लॉन्च टेक्नोलॉजी. नेक्स्ट है बच्चों ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम गगनयान एमिंग टू सेंड ह्यूमंस टू स्पेस बाय 2025. यानी गगनयान को हमारा टारगेट है 2025. इसरोज अचीवमेंट हैव मेड इंडिया प्राउड एंड हैव पेव द वे फॉर फर्दर एडवांसमेंट इन स्पेस टेक्नोलॉजी. नेक्स्ट है बच्चों हियर्स अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया चंद्रयान मिशन. जो हमारा चंद्रयान मिशन है उसकी एक ब्रीफ हिस्ट्री जानते हैं. तो हाउ जानते हैं क्या है? चंद्रयान 1, जो हमारा चंद्रयान 1 था 2008-2009, तो इसमें क्या है? फर्स्ट है बच्चों लॉन्च. तो इसे कब लॉन्च किया गया था? ये लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर 2008 फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसको लॉन्च किया गया था. ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं बच्चों इसके? तो इसके ऑब्जेक्टिव्स थे टू ऑर्बिट द मून गैदर डाटा एंड टेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर फ्यूचर ल्यूनर मिशन. तो इसमें क्या था कि मून के ऑर्बिट में गैदर करना था भाई क्या डाटा है और वहाँ टेक्नोलॉजी को टेस्ट करना था जो ल्यूनर मिशन में है किस तरह से उसमें हम उसमें क्या क्या जान सकते हैं. थर्ड पॉइंट पेलोड 11 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूडिंग कैमराज स्पेक्ट्रोमीटर्स एंड रडार्स यूज किए गए थे इसमें. अचीवमेंट क्या थे बच्चों? अचीवमेंट्स इम्पैक्टेड द मून सरफेस ऑन अगस्त 29, 2009, यानी 29 अगस्त 2009 को डिस्कवर्ड वाटर मॉलिक्यूल ऑन द मून सरफेस. तो इसने मून सरफेस पर पानी के मॉलिक्यूल्स को डिस्कवर किया था. नेक्स्ट था क्रिएटेड ए हाई रिजोल्यूशन 3D मैप ऑफ द मून सरफेस. तो मून के सरफेस का बच्चों 3D हाई रिजोल्यूशन मैप तैयार किया. नेक्स्ट है मिशन एंड क्या था? अगस्त 29, 2009 प्लेन्ड फॉर 2 ईयर बट एक्सटेंडेड फॉर 1 ईयर. तो 2 साल का था लेकिन इसको 1 साल और एक्सटेंड किया गया था. लेट्स डाइव डीपर इनटू द चंद्रयान मिशन. तो चंद्रयान 1 में थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं. वाटर डिस्कवरी चंद्रयान 1 मून मिनरलॉजी मैपर M3 इंस्ट्रूमेंट डिटेक्टेड वाटर मॉलिक्यूल ऑन द मून सरफेस. तो मून सरफेस पर जो वाटर डिटेक्ट किया था चंद्रयान 1 के तो था मून मिनरलॉजी मैपर M3 इंस्ट्रूमेंट था जिसने पानी को डिटेक्ट किया था. मॉलिक्यूल ऑन द मून सरफेस ए ग्राउंड ब्रेकिंग फाइंडिंग दैट चेंज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मून कंपोजिशन. ऐसे मून की जो कंपोजिशन थी उसको जानने में बड़ा इम्पैक्ट. तो इम्पैक्ट प्रोब द मून इम्पैक्ट प्रोब MIP सेपरेटेड फ्रॉम द ऑर्बिटर एंड इम्पैक्टेड द मून सरफेस प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल डाटा अबाउट द मून सरफेस एंड सब सरफेस. तो जो इम्पैक्ट था क्या हुआ था? जो मून इम्पैक्ट प्रोब MIP था वो सेपरेट हो गया था ऑर्बिटर से
और एंड इम्पैक्टेड द मून सरफेस, और मून सरफेस पर इम्पैक्ट जो उसका था वो प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल डाटा का था, भाई जो डाटा वैल्यूएबल डाटा प्रोवाइड किया था मून सरफेस पर और उसके सब सरफेस। नेक्स्ट है ऑर्बिटल अचीवमेंट। चंद्रयान वन ऑर्बिटेड द मून ओवर 3400 टाइम्स, तो 3400 बार उसने ऑर्बिट किया था यानी परिक्रमा लगाई थी, गैदरिंग एक्सटेंसिव डाटा अबाउट द मून्स जियोलॉजी कंपोजिशन एंड एटमॉस्फेयर। और इस तरह से ऑर्बिटेड होकर के मून्स की क्या जियोलॉजी है, उसकी कंपोजिशन क्या है और उस पर किस तरह का एटमॉस्फेयर है, उसकी जानकारी हमें प्रोवाइड हुई थी। अगला है बच्चों चंद्रयान 2019 लॉन्च 22 जुलाई 2019 यानी चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या ऑब्जेक्टिव थे, क्या गोल थे, टू सॉफ्ट लैंड ऑन द मून साउथ पोल, साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करना था, डिप्लॉय ए रोवर एंड कंडक्ट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, वहां रोवर को एस्टेब्लिश करना और कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करना था। थर्ड पॉइंट पेलोड 30, तो इसमें क्या पेलोड था, 13 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट इंक्लूडिंग कैमरा स्पेक्ट्रोमीटर एंड रडार, इन सभी को यूज किया गया था। नेक्स्ट अचीवमेंट्स क्या थे, अचीवमेंट थे बच्चों इसके सक्सेसफुली एंटर्ड ल्यूनर ऑर्बिट, ल्यूनर ऑर्बिट में ये सक्सेसफुली एंटर कर गया था 20 अगस्त 2019 को। विक्रम लैंडर सेपरेट फ्रॉम द ऑर्बिटर, विक्रम लैंडर ऑर्बिटर से सेपरेट हो गया था ऑन 2 सितंबर 2019, 2 सितंबर 2019 को जो विक्रम लैंडर है वो सेपरेट हो गया था ऑर्बिटर से सक्सेसफुली इंटर ल्यूनर में। कब किया था ऑर्बिट में, ल्यूनर ऑर्बिट में इसने 20 अगस्त को सक्सेसफुली इंटर किया था। उसके बाद बच्चों विक्रम लैंडर सेपरेट हुआ था फ्रॉम ऑर्बिटर ऑन 2 सितंबर 2019। उसके बाद विक्रम लैंडर लॉस्ट कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग डिसेंट, उसके बाद विक्रम लैंडर ने अपना संपर्क डिसकनेक्ट कर लिया था यानी वो अपने रास्ते से डिसकनेक्ट हो गया था, भटक गया था। बट ऑर्बिटर कंटिन्यू टू ऑर्बिट द मून, लेकिन जो ऑर्बिटर है वो कंटिन्यू मून्स के ऑर्बिट में चक्कर लगाता रहा, एस्टेब्लिश हो गया था, लेकिन हमारा विक्रम लैंडर लॉस्ट हो गया था यानी वो रास्ता भटक गया था। नेक्स्ट पांचवा पॉइंट है मिशन स्टेटस, ऑर्बिटर स्टिल ऑपरेशनल, जो हमारा ऑर्बिटर है वो अब भी ऑपरेशनल है और विक्रम लैंडर एंड प्रज्ञान रोवर लॉस्ट कॉन्टैक्ट, तो हमारा जो ऑर्बिटर है वो अब भी ऑपरेशनल है, अब भी वर्क कर रहा है, लेकिन विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर दोनों लॉस्ट हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं, वो अपनी अस्तित्व खो चुके हैं। बच्चों चंद्रयान 2 के बारे में हम थोड़ा गैदर करते हैं। विक्रम लैंडर नेम्ड आफ्टर डॉक्टर विक्रम साराभाई, जो विक्रम लैंडर का नाम पड़ा था वो डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम के वजह से उसका पड़ा था। द लैंडर वॉज डिजाइन टू सॉफ्ट लैंड ऑन द मून्स साउथ पोल एंड डिप्लॉय द प्रज्ञान रोवर, प्रज्ञान रोवर, द रोवर वॉज इक्विप्ड विद इंस्ट्रूमेंट टू स्टडी मून सरफेस, जो प्रज्ञान रोवर था उसमें इंस्ट्रूमेंट लगाए गए थे जिनसे चंद्रमा की सतह का, उसके सरफेस का, सब सरफेस का, उसकी कंपोजिशन के बारे में डाटा कलेक्ट करना था, उसकी स्टडी करनी थी। उससे अगला है बच्चों ऑर्बिटर्स एक्सटेंडेड मिशन, ऑल्दो द विक्रम लैंडर लॉस्ट कॉन्टैक्ट the orbiter continue to orbit the moon providing valuable data and insights, उसके बावजूद भी हमारे orbiter ने काफ़ी informations gather की और हमें वो informations प्राप्त हो गई। अगला है बच्चों
चंद्रयान 3। इस पल के बाद हमारा देश गौरवान्वित हुआ था और विश्व का चौथा ऐसा कंट्री बना था जिन्होंने अब तक चंद्रमा पर सफल लैंडिंग की है और ल्यूनर साउथ पोल पर सफल लैंडिंग करने वाला पहला कंट्री बना था। तो आओ देखते हैं प्लेन 4 2023। तो चंद्रयान 3 बच्चों 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था, सेम स्पेस स्टेशन से किया था श्रीहरिकोटा के। तो उसमें जैसे ही हमने लॉन्च किया था उसके बाद इसने सारे ट्रैक्स को सफलतापूर्वक पास किया। पार करने के बाद 23 अगस्त को ये शिव शक्ति पॉइंट या स्टेशियो शिव शक्ति द पॉइंट नियरेस्ट टू ल्यूनर साउथ पोल, जो ल्यूनर साउथ पोल है उसके बहुत नज़दीक ये पॉइंट है शिव शक्ति पॉइंट, यहाँ पर सफलतापूर्वक लैंडिंग इसने की। तो बच्चों लॉन्च कब हुआ था चंद्रयान 3? 14 जुलाई 2023 2:35 PM पर ये लॉन्च हुआ था। और ये लैंड कब हुआ था? लैंड हुआ था बच्चों 23 अगस्त। तो इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, टू सॉफ्ट लैंड ऑन द मून्स साउथ पोल, डिप्लॉय ए रोवर एंड कंडक्ट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। सेकंड पेलोड क्या था? सिमिलर टू चंद्रयान 2 विद सम न्यू इंस्ट्रूमेंट। तो ज़्यादा बदलाव इसमें नहीं था, लगभग चंद्रयान 2 के समान ही था। इसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को नवीनीकरण किया गया था, यानी कुछ नए इंस्ट्रूमेंट इसमें लगाए गए थे। तो प्लान का जो मिशन है, मिशन प्लान क्या था? विल इंक्लूड ए लैंडर रोवर एंड ऑर्बिटर विद ए फोकस ऑन इन सिचू रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन एंड ल्यूनर सैंपल रिटर्न। किस तरह से उनको एडजस्ट किया गया था? इंडिया चंद्रयान मिशन है सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मून एंड हैव पेव्ड द वे फॉर फ्यूचर ल्यूनर एक्सप्लोरेशन। तो चंद्रयान 3 के बारे में बच्चों थोड़ा और जानते हैं। इम्प्रूव्ड लैंडर डिजाइन, चंद्रयान 3 एस लैंडर विल इनकॉर्पोरेट लेसन्स लर्न फ्रॉम द विक्रम लैंडर्स डिसेंट एंड लैंडिंग। इंस्टीट्यूट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, द मिशन विल फोकस ऑन यूजिंग ल्यूनर रिसोर्सेज लाइक वाटर आइस टू सपोर्ट फ्यूचर ह्यूमन मिशन। भाई उस पर वाटर का मिशन था, या जो फ्यूचर में जो ह्यूमंस के मिशन हैं उनको सपोर्ट करता है या नहीं करता है, इन सभी को पता लगाना था कि भाई किस तरह से रिसोर्सेज को वहाँ पर यूटिलाइज किया जा सकता है। तो रिसोर्स यूटिलाइजेशन, ल्यूनर सैंपल रिटर्न, चंद्रयान 3 में इंक्लूड ए सैंपल रिटर्न कंपोनेंट ब्रिंगिंग ल्यूनर सैंपल बैक टू द अर्थ फॉर फर्दर स्टडी। तो चंद्रयान 3 ने इसमें कुछ सैंपल्स अर्थ पर भेजे जिनकी फर्दर स्टडी चल रही है। तो फ्यूचर प्लान क्या? अब हमारा जो फ्यूचर प्लान है वो है गगनयान ल्यूनर मिशन। इंडिया प्लान्स टू सेंड ह्यूमंस टू द मून बाय 2025। भाई गगनयान जो हमारा ल्यूनर मिशन है तो हम उसमें कुछ ह्यूमंस को वहाँ भेजना का प्लानिंग चल रहा है, और जिसको हम 2025 तक अचीव कर लेंगे विद द गगनयान प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम का क्या नाम है बच्चों? गगनयान ल्यूनर मिशन। ल्यूनर बेस, इसरो एनविशंस एस्टेब्लिशिंग ए सस्टेनेबल ल्यूनर बेस इन द फ्यूचर लेवरिंग द एक्सपीरियंस गेन्ड फ्रॉम चंद्रयान मिशन। चंद्रयान 3 का बच्चों थोड़ा और अगर जानना चाहें तो ऑब्जेक्टिव्स और ये सभी मैंने आपको अच्छे से डिस्कस कर दिया है। स्पेस क्राफ्ट कौन सा था,
रोवर मॉड्यूल, ये सारे के सारे तीन जो मॉड्यूल थे, प्रोपल्सन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल, रोवर मॉड्यूल, चंद्रयान थ्री कैरी 14 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, तो वो सारे इंस्ट्रूमेंट इसमें हैं। वे चंद्रयान थ्रीज लैंडिंग डेट वॉज अगस्त 23, 2023 एंड ए टच डाउन एट ए लोकेशन कॉल स्टेशियो शिव शक्ति और शिव शक्ति पॉइंट विच इज बिटवीन द मेंजनस सी एंड सिंपेलियस एंड क्रेटर्स वन। दिस लोकेशन इज नियर द ल्यूनर साउथ पोल एंड द लैंडिंग मेड इंडिया द फोर्थ कंट्री ऑफ सक्सेसफुली लैंड ऑन द मून। तो इस तरह से बच्चों हम 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के तौर पर मनाते हैं और इस नेशनल स्पेस डे को मना करके हमें अपने फ्यूचर जनरेशन को, अपने फ्यूचर यूथ को मोटिवेट करना है नए इनोवेशंस के लिए, उनको रास्ते अच्छे चुनने हैं, उनको अपना फ्यूचर स्पेस की तरफ बहुत अच्छा बनाना है, रिसर्च करनी है, टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है। तो इन सभी को बढ़ावा देने के लिए चंद्रयान 3 की सफलता पर हमारी गवर्नमेंट्स ने 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे, उसका बर्थडे के तौर पर मनाने का संकल्प लिया था। और इस तरह से हम 23 अगस्त 2024 को फर्स्ट नेशनल स्पेस डे, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने जा रहे हैं। थैंक यू।